निर्माणिक अमलपाड़ा मुद्रण कलाकार इतिहास और प्रेस यानी भारतीय संस्कृति परंपरा और प्रेस। इसमें हम लोगों ने देखा किस तरह गुटेनबर्ग ने छपाई खाना का आविष्कार किया और उस छपाई खाना ने उस मुद्रण कला ने पूरे विश्व की व्यवस्था को बदल दिया, पूरे विश्व की एक तस्वीर को बदल कर उसने रख दिया। उसके बाद वो मुद्रण कला का इतिहास किस तरह रेशम मार्ग होते हुए यूरोप पहुंचा। पहले मुद्रण कला का इतिहास तो आपको चाइना से मिलता है, यानी चाइना में उसका आविष्कार हुआ, चाइना, जापान, कोरिया इन क्षेत्रों में, और रेशम मार्ग से होते हुए यह यूरोप में पहुंचा और सबसे अधिक इसका विकास यूरोप में ही हुआ और उसमें कहीं ना कहीं गुटेनबर्ग की प्रमुख भूमिका थी यूरोप में इसके विकास में। और धीरे धीरे इसने पूरे यूरोप के कई सारे देशों में, जर्मनी हो, इटली, फ्रांस आदि महाशक्तियों के विकास में ये सहायक होती चली गई और पूरे विश्व की इन्होंने तस्वीर बदल दी इस मुद्रण कला के इतिहास में। अब है भारत में प्रेस का विकास, यानी भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, इसके द्वारा यहाँ पर विकास हुआ। भारत में पहले छापाखाना का विकास, यानी छापाखाना जो था, छापने वाली जो मशीन थी प्रेस, उससे पहले यहाँ पर पांडुलिपियों यानी हाथ से लिखी हुई लेखन को ही तैयार किया जाता था और उसको यही यहाँ की परंपरा थी, पुरानी समृद्ध परंपरा थी, पुरानी संस्कृति थी कि हाथ से लिखकर ही उस चीज को रखा जाता, जिसको हम पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि का अर्थ यानी हाथ से लिखा हुआ। और इस परंपरा के द्वारा यहाँ संस्कृत, अरबी और फारसी साहित्य की अनेक ही तस्वीर युक्त सुलेखन किया जाता था, यानी तस्वीर युक्त अरबी, फारसी और संस्कृत में कई सारे सुलेख लिखे जाते थे और उसको अच्छी तरह से रखने के लिए जिल्द भी लगाया जाता था, साजिल भी किया जाता था, ऊपर से जिल्द लगाकर रखा जाता था। लेकिन फिर भी ये काफी मेहनत का काम था और काफी खर्चीला होता था, यही कहे कि ये काफी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की लिखावट कठिन थी और इसका प्रचुर रूप में उपलब्ध ही नहीं हो पाता था और यही कारण था कि प्रचुर रूप में उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था। यानी हाथ से लिखी जो पांडुलिपियां दी थी, जो थी किताबें लिखी जाती थी, वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं लिखी जाती थी कि आम लोगों को ये खरीदने के लिए उपलब्ध हो या आम लोगों के लिए ये उपलब्ध हो, इसलिए ये काफी महंगी होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी छापाखाना के आविष्कार ने भारत की तस्वीर बदल दी, भारत को एक नया इतिहास लिखा। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली लाए, पुर्तगाली धर्म प्रचारक जो थे उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 16वीं शताब्दी में छापाखाना यहाँ पर वो लोग लाए धर्म प्रचार के रूप में, धर्म प्रचार करने के लिए पुर्तगाली। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि पुर्तगाली उन्होंने सबसे पहले 16वीं शताब्दी में छापाखाना यहाँ पर लाया। उसके बाद जेसुइटी पुजारियों ने कोंकणी में कई पुस्तिकाएं छापी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में पहली तमिल पुस्तक छापी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 ईस्वी में सबसे पहले तमिल पुस्तक छापी। उसके बाद डच और प्रोटेस्टेंटों ने कई किताबों को अनुदित करके भी छापा। भारत में समाचार पत्रों का उदय 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी समाचार पत्रों का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ छापाखाना के आ जाने के कारण। यह न सिर्फ विचारों को तेजी से फैलाने वाला अनिवार्य रूप से साबित हुआ बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीयों को मन में राष्ट्रवाद की प्रेम जगाने, राष्ट्रवाद की भावना जगाने में भी ये महत्वपूर्ण साबित हुआ और ये इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत में राष्ट्र प्रेम जगाने के रूप में। और यही कारण था कि समाचार पत्र पर कई प्रकार के अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध भी लगाए गए, लेकिन समाचार पत्र
छापाखाना के आजादी से जो किया वो एक अद्वितीय कार्य था। अभ्यास समाचार पत्र की स्थापना आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टस द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन के साथ हुआ। विलियम बोल्टस के द्वारा पहली बार 1766 ईस्वी में यहाँ समाचार पत्र के लिए आधुनिक प्रेस आया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इस बोल्टस से नाखुश होकर इनको पुनः वापस इंग्लैंड में भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद 1780 ईस्वी में जेके हिटी जो एक अंग्रेज थे जेके हिटी उन्होंने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हालांकि हिटी को भी कंपनी की आलोचना करने और अपराध में सजा भी उनको भुगतनी पड़ी। लेकिन और उसके बाद अंग्रेजों ने हिकी के प्रेस को जब्त भी कर लिया, अरेस्ट भी कर लिया। नवंबर 1780 में प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र था। पहला बंगाल गजट जेके हिकी के द्वारा छापा गया था और 1780 ईस्वी में इंडिया गजट दूसरा वो पत्र था। 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर तथा ओरिएंटल स्टार, बंबई गजट तथा हेराल्ड और मद्रास कैरियर में मद्रास गजट आदि समाचार प्रकाशित होने लगे थे। यानी इस समय तक ये 18वीं शताब्दी के अंत तक इतने सारे समाचार पत्र प्रकाशित होने शुरू हो गए थे, प्रकाशित हो रहे थे। ये सभी समाचार पत्र साप्ताहिक थे और अलग अलग दिन में प्रकाशित होते थे। ये सारे समाचार पत्र साप्ताहिक होते थे, सप्ताह में एक बार निकलते थे और अलग अलग डेट को ये प्रकाशित होते थे। इनकी विशेषता थी कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी यानी एक दूसरे में इनमें कंपटीशन नहीं था, एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे की बातों को रखते थे। ये कभी आपस में किसी तरह का कंपटीशन नहीं दिखता था। ये क्षेत्र कंपनी के अधिकारियों, व्यापारियों तथा मिशनरियों तक ही सीमित था। माने इसका क्षेत्र मिशनरियों व्यापारियों तक ही इसका सीमित था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित, ये तो विदेशों के जो थे उनके द्वारा प्रकाशित की गई ये पत्रिकाएं थी। लेकिन भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाल में गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक बंगाल गजट था। यानी 1816 ईस्वी में बंगाल गजट जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा छापा गया था, ये भारतीयों द्वारा पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। 1818 में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क बर्किंगम नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त की। इससे इनके बड़ी योग्यता से कोलकाता जर्नल का संपादन करके लॉर्ड होल्डिंग्स तथा जॉन एडम्स को परेशानी तथा उलझन में डाल दिया। बर्किंगम ने अपने प्रकाशित पत्रकारिता के माध्यम से प्रेस के बारे में जनता को प्रतिनिधित बनाया, जनता को उन्होंने प्रतिनिधि बनाया। यानी जनता के अंदर समाचार पत्रों की भावना जो थी वो जब भी चली गई समाचार पत्रों के लिए, और जो भी योग्यता वाले थे, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, अब इसको लिखित रूप में समाचार पत्र पढ़ते थे और उनको काफी देखने पर यही कारण था कि इनकी आलोचनात्मक प्रेस को आलोचना झेलनी पड़ी। जांच पड़ताल करके समाचार देने का नेतृत्व करने का प्रदान किया गया और प्रवृत्त किया गया। लेकिन इसके बाद भी अपनी प्रगति के कार्यों से ये कंपनी की आंखों में खटकने लगे। यानी जिस तरह से ये प्रगति कर रहे थे, विकास कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर भी इन पर पड़ी और वो खटकने लगे। फलतः उन्होंने इनको 1823 ईस्वी में इंग्लैंड भेज दिया। यानी जो ये थे हेराल्ड और ये, इनको सभी ने
इंग्लैंड की कंपनी ने इनको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड पुनः भेज दिया। तो ये थी हमारी भारतीयों द्वारा प्रकाशित और भारत में प्रेस का इतिहास, प्रेस का विकास कैसे हो पाया। ये अगले वीडियो में हम प्रेस की विशेषताएं पढ़ेंगे और समय बदलते में इसमें क्या परिवर्तन हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।